बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट हाफ है। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड टाइम के पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एन एटम विच आर्डर इज़ द करेक्ट वन। तो इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन सही है। बेरियम का साइज़ मैग्नीशियम से ज़्यादा है क्योंकि बेरियम अपने ग्रुप में मैग्नीशियम से नीचे मौजूद है। ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज़ ज़्यादा होता है, तो बेरियम का साइज़ मैग्नीशियम से ग्रेटर है, तो बीटा वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका स्टूडेंट अल्फ़ा वाला ऑप्शन सही है। सोडियम आयन इज़ स्मॉलर देन सोडियम एटम, यानी कैटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, कम होता है, तो अल्फ़ा वाला ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? वो स्टूडेंट डेल्टा वाला ऑप्शन है। ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, डेल्टा वाला ऑप्शन जो है ना इस हवाले से इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि स्टूडेंट जो मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते बल्कि कौन से बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है डेल्टा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। वो स्टूडेंट 18 चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दी अल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट लिथियम सबसे जो है ना कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। इसका अल्फ़ा वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि लिथियम ग्रुप में सबसे ऊपर है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या स्टूडेंट कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल पीरियडिक लॉ इज़। तो इसका स्टूडेंट मॉडर्न पीरियड लॉ की जो बेस है वो स्टूडेंट एटॉमिक नंबर, डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन पीरियड टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द ब्लॉक। तो इसका स्टूडेंट जो है ना चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तकरीबन मैक्सिमम नॉन मेटल को यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिव एसिडिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसका अल्फा वाला ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टूडेंट नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो अल्फा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो है ना चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें जो है ना गैलियम, इंडियम और टेलोरियम वगैरह हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 है विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका स्टूडेंट डेल्टा वाला ऑप्शन है। जो 3 एटॉमिक नंबर है वो लिथियम का है, जो 12 स्टूडेंट ये मैग्नीशियम का है, ये दोनों एस ब्लॉक में मौजूद हैं, डेल्टा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल इंडिकेट। ग्रुप नंबर पीरियड टेबल में किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो स्टूडेंट्स का जो है ना चार्ली वाला ऑप्शन सही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो है ना 12 है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज नियरली ज़ीरो। इसका चार्ली वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, चार्ली वाला ऑप्शन सही है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका इनर जो एफ सब शेल होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसी वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। तो स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, सिमिलर हो, तो स्टूडेंट का अल्फा वाला ऑप्शन सही है। जैसे नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, -3 चार्ज है यानी 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन इस एटॉमिक नंबर 9 है इसका, और इसमें माइनस का 1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 11 है, इस पर +1 का चार्ज है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले ये अल्फा वाला ऑप्शन सही होगा। ये जो 3 स्पीशीज हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एफ वी गो फ्राम लिथियम टू फ्लोरीन इन द सेकंड पीरियड देयर वुड बी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या होगा, जो है ना डिक्रीजनेस होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 16 है the decrease in atomic size is not much prominent across the rows containing elements of the D block element. तो स्टूडेंट्स का चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मैनलीफ पीरियडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसका स्टूडेंट डेल्टा वाला ऑप्शन है, एटॉमिक मास। तो आज का लेसन स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।